है आपको अपना इंस्टीट्यूट चैनल में, इसमें आपको बीपीएससी टीआरई को लेकर तीन बड़ी खबरें इसमें बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों का कमेंट था और वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप लोग जो है कमेंट करके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से आपको पूरा क्लियर कट मामला सामने देखने को मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला और दूसरा दस्तावेज सुधार क्या, उसमें उसके बाद में सत्यापन कैसे होगा, डीबी कब होगा, कैसे होगा, क्या मांगे जाएंगे, किसको किसको देना है, तो इसको लेकर मतलब तीन बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो कि आप लोगों का जानना जरूरी है आगे का प्रोसेस। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और इस यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है एनसीटी ने तो मान लिया है, उन्होंने सभी राज्यों को पत्र लिखकर भेज दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बीएड किए हुए अभ्यर्थी लेवल 1-5 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य नहीं है। ये आप सभी न्यूज पढ़े हैं और जानते भी हैं, इसमें जो है सिर्फ डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी शिक्षक बनने के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सभी राज्यों और शिक्षा विभाग को मानना होगा। तो आप लोगों का कमेंट था कि राज्य में जो है राज्य विभाग, शिक्षा विभाग या जो भी हो आपका, यहाँ पर बीपीएससी कोई भी फैसला नहीं ले रहा है, क्या बीएड शामिल हो सकता है क्या? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि बीएड वाले जो है 1-5 से बाहर है, इसका कोई उपाय नहीं है। अब ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सभी राज्य और शिक्षा विभाग को मानना होगा, चेतावनी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ सकते हो कि एनसीटी का बिग अपडेट निकल कर सामने आ गई, तो फिर आप लोग कन्फ्यूजन क्यों है? ये तो बहुत दिन 4-5 दिन पहले ही ये न्यूज निकल कर सामने आ गई थी, यहाँ पर क्लियर कट मामला निकल कर सामने आई है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ ड्यूलेट वालों का ही मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो ये हो गया आपका वो फैसला वाला बात, ठीक है ना। दूसरा जो है दस्तावेज का सुधार का ऑप्शन फिर से डेट बढ़ चुका है, तो उसमें क्या करना है? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपको नया डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर साफ साफ आपको बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने गुरुवार को ही ट्वीट करके बोल दिया था, लेकिन अभी भी आप वो न्यूज़ नहीं देखे, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। आप बोल रहे हैं कि नया जाति बन गया, क्या वो अपलोड कर सकते हैं? सीटेट का अब जो आया है मेरा वो सर्टिफिकेट, वो अपलोड कर सकते हैं क्या? बहुत सारे कमेंट था। तो नया में कुछ चेंज छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वे अपठनीय है, तो उसी को आप फिर से अपलोड कर सकते हैं, या आपको इधर उधर हो गया है डॉक्यूमेंट उसको आप सुधार कर सकते हैं। बट नया कुछ अपलोड नहीं किया गया है, क्योंकि आपको यहाँ चेक इन होगा, नए दस्तावेज जैसे कि पुराने पहले का दस्तावेज जो लोड हुआ है से और नया दस्तावेज जो लोड करोगे से, दोनों जो है सिस्टम मौजूद रहेंगे, और जब ज़रूरत होगी उसका इस्तेमाल गड़बड़ी को पकड़ने में किया जा सकता है। तो यहाँ पर बीपीएससी द्वारा आपको बार बार मौका मिल रही है, डेट बढ़ रही है सुधार करने का। इस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना फ्रेंड्स, क्योंकि जितना समय आपको सुधार करने के लिए मिल रहा है, अगर मान लीजिए कि जरा भी यहाँ पर मिस्टेक करते हैं तो वे मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि हमने तो सुधार करने का ऑप्शन आपको दिया, इतना दिन दिया, आपने क्यों नहीं किया, मेरा गलती नहीं है, तो इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। न्यू डॉक्यूमेंट्स को छेड़छाड़ इसमें कुछ अपलोड नहीं करना, ये हो गया। दूसरी जो है आपको सत्यापन के दस्तावेज जो है आपका जो अपलोड किए हो उसको दो बार मांगे जाएंगे, दो प्रतियों में मांगे जाएंगे। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि एक शिक्षा विभाग के पास भेजा जाएगा और एक जो भेजा जाएगा आयोग के पास उपलब्ध रहेंगे, इसलिए आपको दो फाइल बना के ले जाना है, एक तरफ ओरिजिनल और दो दो कॉपी करके दो जगह बना के ले जाना है। बीपीएससी ने सभी जिला पदाधिकारियों का दस्तावेज सत्यापन में शामिल अभ्यर्थियों को जो 9th और 10th 11th 12th में जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है उसमें जो भी स्टूडेंट शामिल हुए हैं उनका बीपीएससी सचिव रवि भूषण ने पत्र जारी करके कहा है कि वर्ग 9वीं से 10वीं माध्यमिक एवं 11वीं से 12वीं उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेज दो प्रति में मांगा गया है, एक शिक्षा विभाग और एक आयोग उपलब्ध कराएंगे। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर तीन बड़ी अपडेट है, और यह जो डॉक्यूमेंट्स आपका मांगे जाएंगे ध्यान रखिएगा, दो जगह मांगे जाएंगे, शिक्षा विभाग भी जांच करेगी, बीपीएससी भी जांच करेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको चुकना नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स तीन न्यूज़, एक ये ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा होगा तो लाइक कीजिए, किसी पर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर तक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।